हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। आज हम बताएंगे आपको आलू का भुर्ता बनाने का तरीका। शुरू करने से पहले अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बने रहिए वीडियो में लास्ट तक हमारे साथ। हम जायकेदार रेसिपी लेके आते हैं, आसान तरीके से बताते हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 2 चम्मच तेल ऐड करेंगे, मैं रिफाइंड का यूज कर रहा हूँ, आप चाहे तो सरसों का तेल या घी में भी बना सकते हैं। इसके अंदर हम प्याज ऐड करेंगे, ये मीडियम साइज के 3 प्याज ली थी मैंने। प्याज को हमें अच्छे से भूनना है, प्याज को मिला लेते हैं पहले एक बार तेल में अच्छे से। बिल्कुल सिंपल रेसिपी, आप लास्ट तक बने रहिए वीडियो में, मैं बिल्कुल आसान तरीका बताऊंगा आपको। इतने हमारी प्याज फ्राई होती है, इतने हमें कुछ मसाला पीसना है। ये मसाला आप देख लीजिए, 1 चम्मच जीरा है, 1 चम्मच काली मिर्च, 1.5 चम्मच साबुत धनिया है, 4-5 सूखी मिर्च है। इसको हम पीस लेते हैं दरदरा या कूट लेते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ एक बार। इस तरीके से आप इसको दरदरा तरीके से कूट ले या इसको पीस ले आप हल्का मोटा। इस तरीके से मसाला तैयार कर ले। और जो प्याज है हमारी, इसको हमें अच्छे से फ्राई करना है, अच्छे से, जब तक ये कलर चेंज ना कर दे पूरी तरीके से। ये देखिए, इस पे कलर आने लगा है, इसको हम पूरा कलर चेंज कर देते हैं। ये देखिए पूरा कलर चेंज हो चुका है प्याज का। थोड़ी सी प्याज हम छोड़ देंगे फैन में, बाकी को निकाल लेते हैं इस तरीके से। इसको हम बाद में यूज में लेंगे, इसको निकाल लेते हैं। जो बचे हुए तेल में प्याज है हमारी, इसी के अंदर हम बारीक कटा हुआ लहसुन ऐड करेंगे 1 चम्मच। इसको मिलाएंगे और भुनेंगे अच्छे से। इसके अंदर हम 1 चम्मच जीरा ऐड करेंगे, इसको ही मिलाएंगे अच्छे से। बिल्कुल सिंपल रेसिपी है ये। इसके अंदर हम टमाटर ऐड करेंगे, ये मीडियम साइज के 2 टमाटर थे। इसको मिलाएंगे अच्छे से, मिलाना है इसको। अच्छे से मिला लिया। इसके अंदर हम हरी मिर्च ऐड करेंगे 2 से 3 स्वाद अनुसार, नमक मिर्च आप अपने स्वाद अनुसार रखें। इसमें हम नमक ऐड करेंगे 1 चम्मच। इसके अंदर हम वो अपने जो हमने मसाला कूटा है उसको ऐड करेंगे। इसको आप चाहे तो कूट ले, चाहे तो इसको दरदरा थोड़ा मोटा सा पीस ले इसको आप, और इसको अच्छे से मिलाएंगे और अच्छे से भूनना है इसको, जब तक टमाटर पूरी तरीके से गल ना जाए। तो इसको हम ढक के कुक करेंगे लगभग 5 मिनट के लिए। ये 5 मिनट हो चुके हैं, ये देखिए टमाटर हमारे गल चुके हैं, मसाला हमारा तैयार हो चुका। एक बार इसको मैंने चला लिया है, इससे जले ना बीच में। इसमें हम आलू ऐड करेंगे, ये मीडियम साइज के 3 आलू थे जिसको मैंने उबाल के हाथ से तोड़ा है इसको। अगर आप ये भरता बना रहे हो तो आलू को हाथ से आप तोड़ के मैश कर ले और इसको मिलाएंगे अच्छे से। अब इसे अच्छे से मिलाते रहेंगे, 1-1.5 मिनट तक हम इसे भूनते रहेंगे। पर पहले इसके अंदर हम वो जो प्याज हमने ब्राउन करी थी उसको ऐड करेंगे, जो हमने निकाल लिया था। और इसमें हम हरा धनिया ऐड करेंगे, 1 कटोरी हरा धनिया है कम से कम। हरा धनिया थोड़ा मैंने ज़्यादा लिया है, भुरते में बहुत ही अच्छा स्वाद आता है हरा धनिया का। और इसको लगभग 1-1.5 मिनट तक हम मिलाएंगे अच्छे से। ये देखिए, ये 1-1.5 मिनट मैंने इसको मिलाया है, भुना है, चीज़ों को मिला के सारी चीज़ों को, और ये तैयार हो चुका है। ये देखिए आप, और बहुत ही स्वादिष्ट बनता है, बिल्कुल सिंपल है। ये देखिए, घर में कोई भी सब्जी ना हो, अगर आपके पास 2 आलू भी है तो आप ये वाला भुर्ता बना के, बहुत ही स्वादिष्ट बनता है। आप इसे किसी भी चीज़ के साथ खा सकते हैं, पराठों के साथ, रोटी के साथ, जैसे आपका दिल करे। तो आप एक बार ट्राई जरूर करें, इसे बनाइए, आप खाइए, अपनों को खिलाइए। और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल भी दबाइए, इससे हमारी आने वाली वीडियो आपको टाइम पे मिल सके। ऐसी वीडियो हम आप लोगों के लिए बनाते रहते हैं। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। खुदा हाफिज़।